जय सियाराम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे AM तिलक चैनल में, जहाँ ढेर सारी आपको धर्म से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त होती रहती है। हमें कैसे सनातन धर्म में रह करके क्या क्या करना चाहिए, क्या पाठ पूजा करना चाहिए, किससे किस फल की प्राप्ति होती है, ऐसी अनेकानेक जानकारी हमारे इस चैनल पर आपको प्राप्त होती रहती है। तो अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबा दें, ये ताकि वीडियो डले जब उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान भोलेनाथ का शिव तिलक, यानी जिसे बोलते हम त्रिपुंड, जो आज हम सिखाने वाले हैं, जो आप हमारे मस्तक पर देख रहे हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, जो हम मस्तक पर लगाए हैं इसे बोलते हैं त्रिपुंड। इसका श्लोक भी होता है, श्लोक सहित मंत्र पढ़ करके हम आज त्रिपुंड लगाने वाले हैं। तो चलिए, विलंब ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, हम अब तिलक ही लगाते हैं। तो आप जैसे किसी को मंत्र नहीं आता है तो वो बिना मंत्र के ही लगा सकता है, ओम नमः शिवाय बोल करके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर मंत्र बोलना है तो मंत्र लिख लेना, ओम त्रायुखम जम दग्ने कश्यपश्चात्रायुखम यद्वैखूत्रायुखम तन्नो अस्तु त्रायुखम, इस मंत्र से लगा सकते हैं। जय श्री राम।